Uh, we are to talk about uh, self-management core skills. these are uh, related with the uh, very important uh, skills and uh, these are very helpful in developing self-management. Uh, and uh, we'll see how to build self-management skills. Uh, किस तरह से हम अपनी स्किल्स को अंडरस्टैंड करें और फिर उन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम हम करें जिसमें बच्चा अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सके फर्स्ट ऑफ ऑल वील इम्फेसाइज ऑन द टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड विद द इवेंट विद द टास्क एंड विद द ड्यूरेशन ऑफ दीज इन तमाम के मनक़द होने में ए, एक तरतीब का ख्याल रखना और पर वक्त उसको करना और फिर इफ़ेक्टिवली उसको करना और इस बात का अंदाज़ा लगाना कि कौन सा टाइम काम जो है वो कितना टाइम लेगा और कौन सा टास्क कितना टाइम लेगा और उसके दरमियान एक बैलेंस कायम करना ये सेल्फ मैनेजमेंट कायम करने के लिए बेहतरीन स्किल है इसमें एक अगली स्किल जो है कि हम ट्रैक भी करते हैं कि जो टाइम हमने सोचा हुआ था क्या उस टाइम के अंदर वो चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं और फिर यह है कि जब ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट होती जाए तो वी गाट सेटिस्फाइड विद द टास्क कंप्लीशन कि हम अपना टास्क मुकम्मल करते जा रहे हैं और हमारे साथ साथ वो चीज़ें मैनेज होती जा रही और इसमें हम एक पूरा एस्टिमेट डेवलप करते हैं कि किस तरह से हम उन तमाम इवेंट्स को अपने पूरे एस्टीमेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और हम उसमें फील करते हैं कि वी आर सक्सेसफुल एफ वी आर सक्सेसफुल वी आर गोइंग टू मैनेज वेल ओवर सेल्फ विल सी डिफरेंट थिंग्स लाइक हेल्थ एंड इश्यूज और हेल्थ uh, के एतबार से हमें अपने बारे में देखना है कि हम किस तरह से आराम करते हैं किस तरह से खाते पीते हैं किस तरह से हम काम करते हैं इसमें एक तोज़न जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हेल्थ एंड हाइजीन से मतलब ये है कि शावर uh, uh, के लिए रेगुलरिटी, रेगुलैरिटी द टाइम एंड हाउ वी आर डूइंग ऑल दिस इसी तरह uh, इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलफ़ अवकात में जहाँ ज़रूरी है और कितने वक्त के लिए यानी बाथिंग टाइम और फिर यह है कि बहुत ज़्यादा यानी गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा नाते जाना आ, ये भी दुरुस्त नहीं है टाइम का ख्याल रखना जो रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका ख्याल रखना और अपनी जो बॉडी है उसकी नीड का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा नहाना जो है वो ज़ाहिर है उसके लिए भी मुनासिब नहीं इसमें आ, बाकी जो ब्रशिंग है टीथ आ, अपने उनको ठीक रखना साफ रखना और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द हाइजेनिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। इसी तरह आ, रेगुलर आ, खाना पीना और उसमें आ, जो लवाजमात हैं उसका तोज़न रखना इज आल्सो तो वेरी इम्पोर्टेंट और इससे होगा क्या ये तमाम चीज़ें अगर हम बायदगी के साथ तरतीब के साथ और के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फिज़िकल वेल बींग जो ना दैट इज़ गोइंग तो टू बी इम्प्रूव और हमारी चाल डाल और हमारे जिसम के अंदर जो वजन का तोज़न होना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब मैनेज हो पा रही होती हैं वक्त ठीक सर्फ हो रहा है तो हमारा स्ट्रेस भी कम होता है उसमें स्ट्रेस बढ़ सकता है अगर हमारे चीज़ों के होने में इकदाम में डिले हो या मिसिंग्स हों या इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ जाता है और इसमें एक और आम बात जिसका तस्करा करना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ वी आर ब्रीदिंग हम रेगुलर ब्रीदिंग करते हैं या बाकायदा एक्सरसाइज के साथ हम लंबे लंबे सांस भी लेते हैं हमारी बाडी को पूरी ऑक्सीजन की जरूरत है जब हम रेगुलर सांस ले रहे होते हैं ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो होता है कि वो ब्रीदिंग जो है ना वो का पूरी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही होती तो हम इसको इन्हेल एक्सेल का अमल जो है ना ये दोहराएं ताकि हमारी हाइजेनिक कंडीशन बेहतर हो इसमें एक जर्नलिंग uh, टर्म uh, हम यूज़ uh, करते हैं कि हम अपने कुछ कामों को लिखते जाएं उसकी एक डायरी बनाते जाएं कि हम एक यानी डेली रूटीन लाइफ जो है ना वो किस तरह से हो हम कौन सा काम पहले करेंगे और कौन सा काम और हम एक कमेंट भी करें कि लास्ट डे हमने अपने तमाम काम कामकमल किए या कोई अगर कोई मिसिंग हुई तो उसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि हम पूरा एक प्लान चाकआउट करें जिसमें हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ होती रहेगी और हमारी वेल बियग की तरफ जो इकदाम हैं वो बढ़ेंगे और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो गोल अटेनमेंट है वो अगर तकमील की तरफ जा रहा है तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द वे दैट वी आर मैनेजिंग वी आर एबल टू मैनेज ओवर सेल्फ और इसमें हम मुख्तलिफ तरह के जो सवालात पैदा होते हैं और बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे रहनुमाई चाहते हैं तो वी एनक्रेज सेल्फ क्वेश्चनिंग और uh, चीज़ों के मैनेज करने में टाइम पर करने में या फिर यह कि रिसोर्सेज इस्तेमाल करने में या फिर यह कि इफ दे आर गेटिंग अपसेट ड्यूरिंग मैनेजिंग दो टास्क हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और uh, उनको हम गोल सेट करने में गोल चूज़ करने में गोल डिफाइन करने में चीज़ों के डिफ़ाइन करने में उनकी मदद यकीन कर सकते हैं बट लेट देम डू दैट दे चूज़ देयर ओन गोल्स एंड दे सेट देयर ओन गोल बट वी टू हेल्प दैम टू सेट देयर प्रायरिटीज और इसी तरह जो गोल्स हैं उनके स्मॉलर स्टेप्स उनको हेल्पफुल साबित होते हैं और वो अपने गोल्स मेजर uh, गोल की तरफ uh, बढ़ते हैं और स्मॉलर स्टेप्स उनके लिए कंप्लीट करना आसान होता है थोड़े वक्त में मुकम्मल हो जाते हैं और वो स्टेप्स मिलकर एक बड़े गोल की अचीवमेंट अटेनमेंट के लिए उनके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं थैंक यू वेरी मच